सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, ये है हमारा माइनक्राफ्ट का थर्ड गेम प्ले वीडियो। और इस गेम प्ले वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक इन्फिनाइट कॉबलस्टोन मेकर, और हम जाएंगे माइनिंग पे केव्स के अंदर। तो गाइस, जैसा कि आपको याद होगा कि पिछले गेम प्ले वीडियो में हमारा कॉबलस्टोन मेकर नहीं चला था, तो इस बार मैं पूरी रेसिपी देख के आया हूँ। और अभी जैसे कि सबसे पहले मैं कलेक्ट कर रहा हूँ लावा। लावा कलेक्ट करने के बाद अभी हम वापस अपने विलेज में जाएंगे। आप देख सकते हो विलेज ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ से मैंने थोड़ा लावा ले लिया है और ऊपर पहाड़ पे चढ़ के मैंने कुछ कोल भी माइन कर लिया है। तो अभी चलते हैं अपने विलेज में और बनाते हैं इन्फिनाइट कोबलस्टोन मेकर। तो गाइस, माइनक्राफ्ट में एक नया दिन, और आज हम लोग बनाने वाले हैं सबसे पहले तो इन्फिनाइट कोबलस्टोन फार्म। तो उसे बनाने के लिए सबसे पहले अरे हमारा लावा ये कहाँ रह गया। लावा वापस आ, वापस आ गया, आ गया गाइस, कोई बात नहीं। अभी अपन सबसे पहले जाते हैं और पानी लेके आते हैं। तो कल हमने कुछ कांड किए थे, तो वहीं से वापस पानी उठा लेते हैं। तो पानी उठा लिया गाइज। अभी आपको बताता हूँ मैं इन्फिनाइट कॉबलस्टोन मेकर में कल अपन ने क्या गलती की। तो सबसे पहले गाइज, अपन को चार ब्लॉक्स ग्राउंड में डिग करने हैं इस टाइप से। ये अपन ने कल भी किया था, बस ये करना भूल गए कि जिस साइड पानी रख रहे हो आपको उसके सेकेंड ब्लॉक के आगे बस एक मतलब डबल डिग करना है, और कुछ नहीं करना। और अब बस एक साइड पानी डाल देना है। तो अपन पानी लेते हैं, और अब इस साइड पानी डाल दिया अपन ने, तो अब पानी से आगे जाएगा नहीं, और इधर डाल देते हैं लावा। और अपना कॉबलस्टोन तैयार। अब कॉबलस्टोन तोड़ो और वापस कॉबलस्टोन आ जाएगा। तो गाइज, ये तो थी अपने कॉबलस्टोन की बात। और अब जो अगला, कल मैंने आपको एक और चीज़ बोली थी कि अपन देखेंगे नेम टैग के बारे में। तो गाइज, मैंने जब नेम टैग पे रिसर्च की तो पता चला कि वो या तो आपको फिशिंग से मिलेगा या फिर वुडलैंड मेंशन या ऐसी जगहों पे मिलेगा, मतलब किसी माइन शाफ्ट में वगैरह में। तो अभी अपन आज माइनिंग के लिए जाएंगे, तो माइनिंग के लिए अपन इसी केव में जाएंगे। तो माइनिंग पे जाने से पहले अपन एक काम कर लेते हैं कि थोड़ी टॉर्चे बना लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अपन तोड़ देते हैं थोड़ा वुड। तो चलो गाइज, मैंने अभी बहुत सारा वुड कलेक्ट कर लिया है, तो अभी अपन चलते हैं क्राफ्टिंग टेबल के पास और बना लेते हैं टॉर्चेस। तो अपन क्राफ्टिंग टेबल में आए और अभी इधर सर्च कर देते हैं। अपन सबसे पहले प्लैंक्स बनाते हैं। तो प्लैंक्स बना लिए अपन ने बहुत सारे, और अभी सर्च कर देते हैं टॉर्च के बारे में। तो टॉर्च के लिए क्या चाहिए अपन को, स्टिक्स। अच्छा, स्टिक्स बनाना भूल गए गाइज। तो अभी पहले अपन स्टिक्स बना लेते हैं। तो अभी स्टिक्स ये रही, 11 स्टिक्स बन सकती है, तो अपन सारी बना लेते हैं। और अभी अपन ने सारी स्टिक्स बना ली है, और अभी अपन बना लेते हैं टॉर्च। तो मेरे हिसाब से अभी अपने पास टोटल कितनी टॉर्च आई है, 20 टॉर्च है। काफ़ी टॉर्चेज हो गई है गाइस अपने पास, और बाकी सब सामान अपन अपने पास रख लेते हैं। अभी ये 19 स्टिक्स यहाँ, ये यहाँ, ठीक है गाइस। तो अभी अपन चलते हैं माइनिंग पे। तो माइनिंग पे जाने से पहले मैं यहाँ से पानी ले लेता हूँ, और अभी चलते हैं माइनिंग पे। तो गाइस, अभी अपन कुछ नहीं करना, बस यहाँ से पानी डालना है, और ये पानी अपन को पूरा नीचे तक लेके चला जाएगा। एक काम करता हूँ, मैं टॉर्चेस को ले लेता हूँ हाथ में, और अभी अपन गाइस नीचे जा रहे हैं। ओ कॉपर, ओ तो हमारी बहुत ही ख़राब लैंडिंग हुई है यहाँ। और अभी बस ठीक है, अपन काफ़ी नीचे आ गए। अभी कॉपर तो बाद में लेंगे। ये क्या है गाइस, इसे माइन करके देखते हैं ये क्या चीज़ है। अच्छा, ये इसे माइन नहीं हो रही, देखते हैं भाई ये मतलब क्या चीज़ है, बाद में देखेंगे। बाई चांस कुछ और चाहिए होगा इसको तोड़ने के लिए। तो अपन टॉर्च लगाते हुए चलते हैं। इधर कॉपर है, कॉपर ले लेते हैं अपन थोड़ा। ओ इधर बहुत ज़्यादा कॉपर है। ये अपने इन्वेंट्री में आ रहा है ना कॉपर, हाँ कॉपर आ रहा है इन्वेंट्री में, ठीक है गाइस। वैसे कॉपर से क्या क्या बना सकते हैं गाइज, आप कमेंट्स में जाके ज़रूर लिखना। तो अपन ट्राई करेंगे कि अगले एपिसोड में अपन कॉपर से कुछ बनाएं।
तो गाइज मैंने यहाँ से सारा कॉपर ले लिया है। अब अपन चलते हैं आगे, टॉर्च लगाते हुए चलते हैं ताकि अपन को प्रॉब्लम ना हो। और एक मिनट, ये आयन है, आयन ले लेते हैं अपन, आयन नगेट्स मिलते हैं इनसे। तो ये 1.17 का एक नया और अपडेट है, और अपन ने ऑलमोस्ट सारे आयन्स ले लिए हैं। इधर भी एक टॉर्च लगा लेते हैं। अब इस गेम में कॉपर ही कॉपर है, तो अपन इधर से साइड आगे चलते हैं। ओह माय गॉड, गोल्ड गाइस, हमें गोल्ड मिल चुका है, पर अभी मेरे पास कोई आयरन की पिकेक्स नहीं है। तो अभी आयरन की पिकेक्स नहीं है, इस वजह से अपन गोल्ड को बाद में लेंगे। या फिर एक काम करते हैं ना गाइस, एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं और उससे आयरन की पिकेक्स बना लेंगे। तो क्राफ्टिंग टेबल के लिए मेरे पास सामान है क्या? एक फ्रूट कम पड़ रहा है गाइस क्राफ्टिंग टेबल के लिए। तो एक काम करता हूँ, मैं वापस जाता हूँ और एक क्राफ्टिंग टेबल बना के अपने साथ लेके आ रहा हूँ। सो गाइस मैं वापस ऊपर जाके नीचे आ गया हूँ, और अभी मैं अपने साथ एक क्राफ्टिंग टेबल और एक फर्नेस भी लेके आ गया हूँ। और जैसा आप देख सकते हैं, मैंने आयरन की एक पिकेक्स भी बना ली है। तो अभी अपन चलते हैं गोल्ड माइन करते हैं गाइस। मतलब सेम ही एक केव, बहुत शानदार है, गोल्ड मिल गया। ओह माय गॉड, कोई मार रहा है, ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी, अटैक अटैक, कम ऑन, ये मेरे सामने आएंगे। इधर आ लो भाई, मुझसे पंगा ले रहे थे। वापस अपने गोल्ड पे फोकस करते हैं गाइस। और अपन को, ओ माय गॉड, यहाँ 5 आयंस, यहाँ से मेरे हिसाब से 5 इंगट मिल जाएंगे अपन को। 6, ये है आयन, मतलब इस गुफा में आयन की तो भरमार है गाइस, आयन और कॉपर की। तो बस तोड़ जाओ अपन, आयन और तोड़ लेते हैं क्योंकि अपन को आगे ज़रूरत पड़ेगी अब आयन की बहुत सारे, जब अपन फार्म्स बनाने जाएंगे। कॉपर गाइस वापस आते वक्त तोड़ लेंगे। और अभी देखते आगे क्या है। आगे अपन को यहाँ रेड स्टोन दिखा है। ओह माय गॉड गाइस, आप यकीन नहीं करोगे, मतलब भाई ये कैसे, डायमंड गाइस हमको मिला है, डायमंड। वाह, और वहाँ है और डायमंड है भाई, मतलब मज़ा आ गया। ये केव तो बहुत शानदार है। और यहाँ अपन को ड्रिप स्टोन भी मिल गया है, ड्रिप स्टोन भी तोड़ लेते हैं। ये ऐसे आ जाएगा क्या गाइस, आया क्या इन्वेंट्री में? आ गया गाइस, ड्रिप स्टोन भी आ गया। अभी अपन रेड डस्ट ले लेते हैं, मतलब रेड स्टोन डस्ट, ये भी आगे बहुत काम आएगी। मतलब गाइस क्या केव है, ऐसी केव होनी चाहिए गाइस, मतलब इतने भर भर के रिसोर्सेज भाई, ऐसी केव मैंने आज तक नहीं देखी माइनक्राफ्ट में। अभी अपन यहाँ से रेड स्टोन ले लिया, और गाइज अब आराम से अपन लेते हैं डायमंड। तो डायमंड के लिए पहले क्या करते हैं, अपन लावा को ब्लॉक करते हैं। ओ गाइज मतलब ये बहुत ज़्यादा गहरा है लावा मेरे हिसाब से। हाँ हो गया ख़त्म, अभी अपन लेते हैं डायमंड, डायमंड। ओह गाइज और डायमंड है यहाँ, और है क्या वहाँ? नहीं बस इतना ही है, कोई बात नहीं गाइस, 2 डायमंड मिल चुके हैं अपन को। और अभी अपन को जाना है सामने, क्योंकि सामने मेरे को दिख रहा है और डायमंड। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ प्लैंक्स, मतलब ये पत्थर तोड़ लेते हैं अपने रास्ते के लिए गाइस। यार एक तो ये ज़ॉम्बी मतलब परेशान करके रख दिया, इधर मतलब इतना कौन परेशान करता है। एक टॉर्च लगा लेते हैं यहाँ गाइस, ताकि ये ज़्यादा स्पॉन ना हो। और अभी अपन तोड़ लेते हैं, और कहीं नहीं, हमें बहुत ज़्यादा कोल भी मिला है, पर कोल के हाल फिलहाल अपन को इतनी कुछ ज़रूरत नहीं है खास, तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। और अभी अपन ले लेते हैं अपने ये जो ब्लॉक्स थोड़े, इनको अपन स्टिक्स की जगह ले लेते हैं। और अभी चलते हैं उधर, तो सबसे पहले एक सेफ ब्रिज बना लेता हूँ मैं अपने लिए। हाँ तो गाइज अब मेरे हिसाब से अपन चल लेते हैं उधर, इधर से ही माइन करना स्टार्ट करते हैं। और मेरे हिसाब से इधर और कॉपर पड़ा है, तो एक बार यहाँ भी एक टॉर्च लगा लेते हैं। नहीं कॉपर नहीं है, डर्ट ही है, कोई बात नहीं गाइज, उस साइड को अपन बाद में एक्सप्लोर करेंगे। अभी सबसे पहले अपन इधर से आए डायमंड उठाते हैं। तो गाइस अभी मेरे हिसाब से अपन को इधर से एक रास्ता बनाना है, तो उसके लिए
हो गया। अभी आराम से धीरे धीरे अपन जाते हैं उधर अपने डायमंड की ओर, और अभी अपन सीधा जंप लगा लेते हैं गाइस। नहीं यार, रिस्क नहीं लेंगे, आराम से चल लेंगे। और ये रहा अपना डायमंड। तो गाइस अपन डायमंड ले लिया, यहाँ बस एक ही डायमंड था, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। आगे इसके में क्या है, स्केलेटन। और 1 मिनट गाइस, वो सामने और डायमंड है। ओ माय गॉड गाइस, मतलब क्या केव है, इतने सारे डायमंड्स। अभी उस स्केलेटन को तो नहीं, वो डायमंड नहीं है गाइस, वो बस वो ही अभी झाड़ फूक अपने देखा था पीछे, वो है। एक तो गाइस ये स्केलेटन यार, अभी इतना दूर से कुछ करते हैं, 1 मिनट पहले ब्लॉक्स कलेक्ट करते हैं, उसके बाद अपन देखते हैं इसको जाके, वहीं जाके ठोकते हैं। गाइस वैसे मैंने यहाँ एक बात नोटिस की कि मेरे इस वर्ल्ड में क्रीपर बहुत कम है, ये छछुंदर बहुत ज़्यादा है पर क्रीपर नहीं है इतने, अपना घर है ही नहीं कुछ। ओ माय गॉड, मैं मतलब ओवर पावर्ड हूँ माइनक्राफ्ट में। तो अभी आराम से अपन धीरे धीरे चलते हैं, इधर से ब्लॉक लग जाएगा, नहीं लगेगा, अब लगेगा। फटाफट क्रॉस कर देते हैं उस स्केलेटन के आने से पहले। और अब आ भाई स्केलेटन, किधर गया, किधर गया है, डर के भाग गया क्या स्केले। 1 मिनट, वो रहा, क्या रे तू मेरे से पंगा लेगा, जानता भी मैं कौन है, आने तो दे मेरे को इधर, अरे मेरे को आने नहीं दे रहा, मेरे से पंगा लिया गाइस, ये जानता नहीं मैं कौन है। नीचे स्लाइम भी है तो स्लाइम को अपन बाद में देखेंगे, पहले थोड़ा सा आगे देख लेते हैं आगे क्या है। तो इधर तो वैसे कुछ खास नहीं है, और अभी इधर अंधेरी गुफाओं में आगे चलते हैं, क्या है और अंधेरा, नहीं उधर नहीं जाते यार, ये क्या है, मतलब कभी। ओह गाइस, मैंने क्रीपर का नाम लिया था और आ गया क्रीपर जस्ट मेरे पास में फूटा। तो गाइज अभी अपन एक काम करते हैं, चुपचाप से अपनी रेड स्टोन ले लेते हैं। ओ माय गॉड गाइज, एकदम मतलब क्या बात बताऊँ मैं आपको, क्या किस्मत है अपनी। मेरे को पहले लगा था यहाँ डायमंड नहीं होगा, पर एक और डायमंड मिल गया गाइज। अब अपने पास है 4 डायमंड, तो अभी मेरे हिसाब से ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, चल लेते हैं। ये पीछे से थोड़े रेड स्टोन डस्ट कलेक्ट कर लेता हूँ और फिर चलते हैं वापस गाइज। और अगले एपिसोड में अपन कुछ खास बनाएंगे इनसे, तो अभी के लिए 4 रेडस्टोन ले लिए, और अब मैं रिस्क नहीं लेना चाहता गाइस, या वैसे और है और ले लेते हैं। वहाँ और मॉब्स है, अब नहीं है मेरे को मॉब्स, अब नहीं लड़ना। ओ गाइस मतलब सही कहूँ तो यार, क्या केव है ये, मतलब लिटरली इतने सारे सामान है इस गेम में। अब चल लेते हैं गाइस, ज़्यादा लालच नहीं करते, वापस चल लेते हैं। आराम से आराम से, गिरना मत गिरना मत, बच गया गाइस। अभी अपन को इधर से वापस जाना है। आ गए, ठीक है गाइस अपन निकल लेते हैं यहाँ से। कॉपर है, कॉपर वापस आ कभी आगे कलेक्ट कर लेंगे गाइस, क्योंकि कॉपर कहीं नहीं जाने वाला यहाँ से। अभी अपन वापस चल लेते हैं, वरना 4 डायमंड गायब हो जाएंगे गाइस। तो चलो गाइस, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। और वैसे गाइस एक बात बताना तो भूल गया, कि जैसे मैं इस मतलब अपने केव से ऊपर आ रहा था, तभी क्या हुआ कि ऊपर आते ही मेरे ऊपर एक क्रीपर फट गया, तो मैं वहाँ मर गया। पर कोई बात नहीं गाइस, अपन ने सब रिकवर कर लिया है। तो अभी इस वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस, अब अगले वीडियो में अपन कुछ और फार्म्स बनाने की कोशिश करेंगे और कुछ और करेंगे माइनक्राफ्ट में। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।